Hello students, in this video we will see magnetic field inside toroid. तो toroid क्या होता है? यदि हम किसी solenoid को bend कर दें, यानी कि उसको इस प्रकार bend करें, उसके दोनों जो ends थे, वो overlap कर जाएं, जैसे आपकी ये solenoid होती है, इस solenoid को आपने bend कर दिया, कि जैसे कि आप कर bend करोगे, ये वाला end इस वाले end overlap कर जाए तो आपको मिलेगा एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा. इस स्ट्रक्चर का नाम होता है टोरॉइड. इट मींस ये एंडलेस सोलेनोइड इज कॉल्ड टोरॉइड. सोलेनोइड आपकी होती है स्ट्रेट, ये आपका होता है इन सर्कुलर शेप. तो जब इसको बेंड करोगे तो ये इसका होगा सेंटर ऑफ टोरॉइड. जो इसका अंदर वाला पार्ट होगा इसको बोलते हैं इसके इनर रेडियस, इसको कहा जाएगा इसका आउटर रेडियस. जो इन दोनों का मीन होगा दैट इज योर मीन रेडियस और रेडियस ऑफ टोरॉइड. जो आपका आर होगा इट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, यानी कि इनर रेडियस और आउटर रेडियस का मीन आपका होगा इसका रेडियस ऑफ टोरॉइड. तो क्या हुआ टोरॉइड? सोलेनोइड को बेंड करने पर भी मिलेगा दैट इज टोरॉइड. और वी कैन से एंडलेस सोलेनोइड इज कॉल्ड टोरॉइड. तो इसके अंदर फील्ड कितना होगा? सपोज ये आपका नॉर्थ पोल है, आपका ये साउथ पोल है, बेंड किए हैं, तो फील्ड लाइंस आपकी इसके अंदर होंगी इन दिस वे, इन सर्कुलर वे. बाहर फील्ड आपका जीरो होगा बिकॉज फील्ड लाइंस इससे बाहर नहीं निकल पाएंगी. तो इसको भी मुझे पता करने के लिए, फील्ड इसके अंदर पता करने के लिए मुझको अप्लाई करना पड़ेगा बायो सेवर्ट लॉ, सॉरी मुझे अप्लाई करना पड़ेगा एम्पियर सेकुलर लॉ. तो इसके लिए मैंने एक लूप जो बनाया है बीच में, ये वाला लूप आपका ये हो गया कि जो एम्पियर लूप. तो अकॉर्डिंग टू ACL बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड इन द एम्पिरियन लूप. इट इज योर मीन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो चूंकि इसके अंदर फील्ड आपका हमेशा कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, तो आपने अगर ये एक DL एलिमेंट्री पार्ट एज्यूम किया है ऑन एम्पिरियन लूप, तो फील्ड भी कैसा होगा इसके अंदर आपका ऐसा होगा. और डीएल भी कैसा है आपका ऐसा है. तो एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज जीरो डिग्री. तो आप इसको ले सकते हो बी डीएल कॉस जीरो इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज इन द एम्पिरियन लूप. इसमें हमें एज्यूम कर लिया है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज एन, मतलब एक लंबाई में जो टर्न है टोरॉइड में दैट इज एन. तो इस पूरे की लंबाई कितनी होगी आपकी? लंबाई इसकी होगी आपकी 2 पाई आर. एक लंबाई में कितने टर्न हो गए? 10. तो 2 पाई आर में टर्न कितने हो गए? आप कहोगे 2 पाई आर एन. और हर टर्न में कितना करंट आपका जा रहा है? आई. तो इट इज योर आई इन, जो कि इस लूप के अंदर करंट आपका एंटर कर रहा होगा वो कितना होगा? 2 पाई आर एन इंटू आई. अब बी जो कॉन्स्टेंट आपका होगा बाहर निकाल लीजिए, बी एल इज इक्वल टू ये वन हो गया म्यू नॉट इंटू टू पाई आर एन आई. अब डीएल किसका पार्ट आपका है? डीएल इज अ पार्ट ऑफ एम्पिरियन लूप. इसका करोगे इंटीग्रेशन तो आपको मिलेगा ये पूरा इसका लेंथ इट इज टू पाई आर. तो बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टू पाई आर एन आई. तो टू पाई आर से कर जाएगा आपका टू पाई आर. अब मिला है आपको बी, इट इज B is equal to mu naught n I, mu naught n I. ये बिल्कुल सेम टू सेम जस्ट लाइक कैसा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड जैसा ही आपको मिला है. इस n का मतलब क्या है? n by l नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ये आपकी l कितनी होगी इसमें? इट इज 2 पाई r लेंथ ऑफ टोरॉइड. तो B is equal to आप लिख सकते हो mu naught I एन बाई टू पाई आर. यदि इस टोरॉइड को किसी आयरन के रॉड के ऊपर लपेटा गया है, बनाया गया है, यदि इसके अंदर हमने इंसर्ट कर रखा है सॉफ्ट आयरन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर, तो आपका बी हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर. इट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल ऑन विच योर टोरॉइड इज फॉर्म इंटू I n over 2 pi r और b इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन
eye. It is your magnetic field strength inside toroid. तो सोलेनोइड का भी हमने देखा था इसे पहली वीडियो में, और हिक्स का है, टॉरॉइड का है, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको दोनों आने चाहिए. ये है एप्लीकेशन ऑफ एमपीएस. थैंक यू, हैव ए गुड डे.